संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म पर चर्चा करनी है। ये उत्तम आकिंचन्य शब्द ही जरा इतना कठिन है कि हमें लगता है कि न मालूम क्या होगा। देखो किंचित मात्र भी पर पदार्थ और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, उनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम आकिंचन्य धर्म है। किंचित मात्र, एक किंचित शब्द से बना है। अब इसमें आ उपसर्ग है, जो मर्यादा के अर्थ में आता है, तो बहुत बहुत व्याकरण की बातें हो सकती हैं। और आपको यदि और सरलता से समझना हो तो जैसे कहा था कि क्रोध का त्याग क्षमा है, मान का त्याग मार्दव है, छल कपट का त्याग आजरव है, लोभ का त्याग शौच है, ऐसे ही परिग्रह का त्याग आकिंचन्य धर्म है। अब जरा जल्दी समझ में आया होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम हम अपरिग्रह भी कह सकते हैं, है ना, या अल्प परिग्रह भी कह सकते हैं। तो अब जल्दी समझ में आएगा। यद्यपि बात तो ऐसी है कि हमारे लिए जैसा ही आकिंचन्य और जैसे ही अपरिग्रह, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, न हम सांप का अर्थ समझते हैं न हम नाग का अर्थ समझते हैं। वास्तव में अपरिग्रह का अर्थ भी हम सही रूप में नहीं समझते हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ कि ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य ये दो धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। अस्ति से जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं उसे ही नास्ति से आकिंचन्य धर्म कहते हैं। स्वा की अस्ति ब्रह्मचर्य है और पर की नास्ति आकिंचन्य धर्म है। स्वा में लीन होना वो ब्रह्मचर्य है और पर में लीन नहीं होना वो आकिंचन्य है। स्वा में ही अपनापन होना वो ब्रह्मचर्य है और पर में से अपनापन छूटना वो आकिंचन्य है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो कल होगी और आज हम आकिंचन्य धर्म की चर्चा करते हैं। पूजन की पंक्ति में ऐसा लिखा है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चहुं गति दुख तें कार मुक्ति कर तार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य दस धर्मों का सार है, ठीक है ना। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं। कोई अपनी तरफ से नमक मिर्च भी नहीं लगाया मैंने, वो तो सीधा सच्चा अर्थ कर दिया है, लिखा ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये दस धर्मों का सार है। जब नीचे की पंक्ति पढ़ी तो ऊपर की भी पढ़ लेते हैं, उत्तम क्षमा और मार्दव आर्दव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग। देखो भाई, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्दव, ये तीन आत्मा के स्वभाव भाव हैं और इन स्वभाव भावों को प्राप्त करने के पांच उपाय हैं।
सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय हैं। ठीक है ना, वो उपाव लिखता उपाव, वो तो ये भाव की जगह तुक मिलाने के लिए या की जगह वाह कर दिया है, यार अला वाह हो गया ना, समझिए ना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय हैं, पर आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं। और ये दस धर्म ये मुक्ति है ना, मुक्ति के मार्ग हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं, और तहुं गति दुख तय कार मुक्ति करतार हैं, चार गतियों के दुखों से निकाल कर मुक्ति में कराएंगे। और जब ब्रह्मचर्य के बाद में आएगी बात, तो उसमें एक पंक्ति लिखी होगी, जानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। हमें मोक्ष रूपी महल में जाना है, और उस महल की दस सीढ़ियां हैं। आपकी एक मंजिल होती है ना, उसमें कम से कम 18 सीढ़ियां होती हैं। बम्बई में तो तुम जाकर हर जीना को गिन लेना, जितने पुराने बने 18 सीढ़ियाँ होंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के हिसाब से 6 इंची की सीढ़ी मानी जाती है, और कम से कम 9 इंची की ऊंचाई एक मंजिल की रखी जाती है। अब आजकल 8 की भी कई कई रखने लग गए हैं, खासकर जहाँ ऊपर पंखा नहीं लगाना पड़ता है, पूरा एसी होता है। ऊपर पंखा लगाना हो तो 9 इंची से कम ऊंचाई नहीं रखी जा सकती। पलंग पे आप खड़े हों तो 5.5 फुट का एक आदमी होता है, क्यों, और 1.5 फुट की ऊंचाई पलंग की होती है, कितना होगा, 7.5 फुट। अब पंखा की भी कुछ ऊंचाई आएगी, छत भी डलेगी कुछ, तो आपका हाथ टकराएगा पलंग पे खड़े होंगे तो वो बचना चाहिए। और जब 6 इंच की सीढ़ी होगी और 9 इंच के मंजिल की ऊंचाई होगी, तो 18 इंच तो सीढ़ियाँ तो होंगी ना गारंटी से। ये कितना पक्का हिसाब है, इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है। और हम कहते हैं कि भाई हम जीना नहीं चढ़ते हैं, अरे 4 सीढ़ी हैं, तो कौन सी मंजिल पे है, पहली मंजिल पे ही है, 4 सीढ़ी हैं। तो मैंने कहा भाई वहाँ तो बिल्कुल गारंटी से नहीं चढ़ सकते हैं, 4 सीढ़ी होंगी तो 2.25 फुट की एक सीढ़ी होगी। क्यों 6-7 होंगी, ये नहीं हो सकती। तो आप, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मोक्ष का महल में 10 सीढ़ी हैं, ये तुम्हारी जैसी 4 नहीं है, ये वहाँ तो 18 की 4 बोलते हो तुम। यहाँ तो पक्की 10 है ना। और ज्ञानत कभी कहते हैं, ज्ञानत धर्म 10 पेण, पेण माने सीढ़ी, चढ़कर अब मुक्त रूपी महल में पैर रखा जाएगा। समझ लो कि 8 सीढ़ी तो अपन चढ़ चुके, अभी 9वीं सीढ़ी पर अपन पैर रख रहे हैं, बस एक सीढ़ी और है, और अपना उसके बाद में सीधा पैर मोक्ष के महल में पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद वो सीधा दुकान पे पड़े, 10 दिन से तो छुट्टी रखी थी हैं। तो इस दोहे में आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार कहा है। और मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य अस्ति से और आकिंचन नास्ति से दोनों एक ही बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा कल होगी और आकिंचन की अभी। अपन ने ये पढ़ा था कि आकिंचन का विरोधी परिग्रह है, इसलिए फिर परिग्रह का हम विरोधी बनाएं तो अपरिग्रह होता ना, तो आकिंचन का नाम अपरिग्रह है। तो
तो अभी परिग्रह को हमें पहले समझ लेना चाहिए कि जब उसका अभाव जो अपरिग्रह है तब वो हमारी समझ में आएगा ना। तो परिग्रह क्या है बोलो। तो पूजन की पंक्ति का ही सहारा लेते हैं, परिग्रह 24 भेद, लिखा ना क्लियर, परिग्रह के 24 भेद हैं, ये तो मालूम होंगे ना, 24 भेद तो मालूम होंगे ना। हाँ साहब मालूम है, बताओ। ऋषभ देव जी सम, अरे भैया ये तो तीर्थंकरों के नाम है भैया, हमने तो 24 के नाम पर यही सुने हैं। क्यों आज तक 24 के नाम पर हमने यही ऋषभ देव अजित नाथ संभव नाथ ही सुने हैं क्यों? अरे तेरे को 24 परिग्रह के नाम नहीं आते हैं। अभी तो परिग्रह कितने प्रकार का होता यदि मैं एक मिनट पहले पूछता तो शायद आप नहीं बता पाते। अब तो उसमें बोल ही दिया है परिग्रह 24 भेद। अच्छा जाने दो, अब 24 भेद हैं और परिग्रह को हमें समझना है तो 24 नाम तो हमें याद होना चाहिए ना, होंगे ना सबको। मैं जानता हूँ आप लोग अभ्यासी हैं और बहुतों को होंगे, लेकिन बहुमत नहीं पता होने वालों का ही होगा। क्या मूलतः परिग्रह दो प्रकार का है, एक अंतरंग और एक बहिरंग, समझे ना। अब जाने दो, जिनको पता है उनकी तो बात छोड़ो, जिन्हें पता नहीं है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उन परिग्रहों के नाम लेता हूँ और आपको सिर्फ हाँ और ना कहना है। अब तो बहुत सरल हो गया ना प्रश्न, लेकिन मैं झूठ भी बोल सकता हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जैसे अभी अभी बोला ना कि ऋषभदेव अजितनाथ है, बस तुमको हाँ और ना कहना है, सोच समझ के कहना। पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, ठीक है, अपने मन में ही जवाब दो, है ना। दूसरे परिग्रह का नाम है क्रोध, तीसरे परिग्रह का नाम है मान, चौथे परिग्रह का नाम है माया, पांचवें परिग्रह का नाम है लोभ। क्यों हमें धोखा देते हो? ये तो कसाएं हैं और तुम इनको परिग्रह बताए जा रहे हो, क्यों? ये तो कसाएं हैं ना, क्रोध मान माया लोभ तो कसाएं हैं और तुम परिग्रह कहते जा रहे हो, हमको इतना मूर्ख समझते हो? ये तो कसाएं हैं, लेकिन भाई कसायों का भी परिग्रह होता है ये बात हमारे ख्याल में नहीं है। हम गंभीरता से सोचें कि जब भी क्रोध मान माया लोभ की बात चलती है तो हमारे दिमाग में कसाएं आती हैं कि पाप आते हैं। अपने बालबोध पाठमाला में पाप वाला पाठ है ना, और ये कसाय वाला पाठ है, तो हमारा ध्यान में वो कसाय वाला पाठ आता है कि पाप वाला पाठ आता है। अब मैं फिर पूछता हूँ, घबराना नहीं, कि ये कसाएं हैं कि पाप हैं? तो अभी हाल तो कह रहे थे परिग्रह जो ये पाप हैं, अभी तो कसाय में बोल रहे हो। अरे भाई वो पांच पापों में एक परिग्रह नाम का पाप है ना, और 24 परिग्रहों में क्रोध मान माया और लोभ भी है, मिथ्यात्व भी है। अच्छा ये हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, हास्य ये भी परिग्रह है, कौन सा? छठवा। फिर रति, फिर अरति, फिर भय, फिर जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी परिग्रह हैं, क्यों? ये अंतरंग परिग्रह हैं। अंतरंग माने असली, बाहर का जिसको तुम परिग्रह मान रहे हो वो तो बहिरंग है, वे तो व्यवहार परिग्रह है, वो तो नकली परिग्रह है, क्योंकि
समय सार में लिखा है कि पर पदार्थों को आज तक इस आत्मा ने ग्रहण किया ही नहीं है, क्योंकि ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है, तो पर का तो ग्रहण होता ही नहीं है। तो बाह्य परिग्रह तो पर है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये तो पर पदार्थ है ना, तो उनका तो ग्रहण आज तक हुआ ही नहीं है, तो वे परिग्रह कहाँ होंगे? असली परिग्रह तो ये है, हमें समझते ही नहीं कि ये परिग्रह है। समझते भी हों, कदाचित सुन लिया हो, किताब पढ़ ली हो, विद्वानों के मुख से सुन लिया हो, पाठशाला में पढ़ लिया हो, तो कह दिया सबने कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, हाथ उठवाएं तो हो सकता है बहुत लोगों के हाथ भी उठ जाते, लेकिन हम ये फीलिंग करते हैं अंदर से, जब हम खिलखिलाकर हंसते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। परिग्रह पाप है ना, और हास्य परिग्रह, तो ऐसा हमें लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं, फीलिंग होता है अंदर से। बोलो, जब कोई डर लगता है हमें तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम ये डर लगना है कोई पाप हम कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, वो तो लग रहा है हमें, हम क्या करें, लेकिन लग रहा सही, तुम कुछ नहीं करो, लेकिन ये पाप हो रहा है तुम्हारे जीवन में, ऐसा महसूस करते हो कि नहीं? यदि करते होते तो ये परिग्रह के त्यागी, परिग्रह त्याग महावृत दिन के है, शरीर पर आड़ा बाल के बराबर भी परिग्रह नहीं है, उन्हें कहीं भी खिलखिलाकर हंसते और हड़बड़ाकर डरते नहीं देखा जाता। ये तो मैं आप ग्रस्तों की बात कर रहा हूँ, उन संतों से भी जाकर पूछो कि जब उन्हें हंसी आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये पाप भाव आ गया है और इसके कारण मैं पापी हूँ। क्यों, एक क्षण को भी ये फीलिंग हुआ नहीं हुआ तो समझ लेना कि हम 24 परिग्रह को समझते नहीं हैं अभी अच्छी तरीके से। यदि ये पाप है और वो हमारे जीवन में है तो उसके कारण हम पापी हुए, ऐसा हमारी समझ में आना चाहिए ना। अरे हम तो कह रहे भगवान को भी, अरे हमारे मंदिर की मूर्ति देखो कितनी बढ़िया, एकदम हंसमुख। मेरे पास बहुत गुजराती भाई आते हैं, मराठी भाई नहीं कह रहा हूँ मैं, गुजरात में जाऊँगा तो मराठी भाई बोलूँगा। बहुत गुजराती भाई आते हैं और मुझसे कहते हैं कि पंडित जी हमें भगवान दिला दो, बहुत बढ़िया एकदम हंसमुख। उन्हें ना मालूम हंसमुख कितना पसंद है, हर 3 गुजराती में से एक का नाम हंसमुख मिलेगा। सोनमेर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हंसमुख भाई हैं। क्यों, तो उन्हें भगवान भी हंसमुख चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हंसमुख होंगे तो भगवान नहीं होंगे, और भगवान होंगे तो हंसमुख नहीं होंगे, क्योंकि हास्य तो एक परिग्रह है, एक कसाय है, एक पाप है। क्यों, अब भगवान के जीवन में पाप नहीं है, कसाय नहीं है, परिग्रह नहीं है, कैसे हो सकते हैं वो? बोलो, आप बोलो, हम आप भी सोचो कि हमें भी अपना चेहरा भी हंसमुख पसंद है ना। ये फोटोग्राफर कहता है ची ची, ऐसा जरा मुस्कराइए, हंसिए, मुझसे कहते हैं हाँ जरा जरा दादा थोड़ा, दादा थोड़ा, क्यों? मेरा फोटो नहीं खींचना है तुझे, तुझे एक पाप का, परिग्रह का, कसाय का फोटो खींचना है, क्यों? करते कि नहीं करते? और हम भी, हमें वो अपना फोटो, वो हंसमुख मुस्कराता हुआ ही पसंद आता है ना, हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वो तो एकदम ए बन आदमी है, 24 घंटा मुस्कराता ही रहता है, हंसता ही रहता है, ये समझ में नहीं आते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं ये।
अरे अपने यहाँ तो भगवान की मूर्ति के लिए लिखा है, सभी बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। हंसमुख कहाँ लिखा है? बीत रागी छवि, बीत राग का मतलब समझते हैं, जिसमें 25 कसाय में से कोई कसाय नहीं दिखाई दे, 13 प्रकार का राग, 12 प्रकार का द्वेष और मिथ्यात्व, कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे, उस छवि का नाम क्या है? बीतरागी। छवि बीतरागी और शांत मुद्रा। शांति जानते किसे बोलते हैं, अशांति जानते किसे बोलते हैं? कि हम ये भी पढ़ाओगे आप हमें? अरे हमारे 25 साल से मोक्ष मंडल चलता है, रोजीना क्लास चलती है, हमारी कौन सी जयंती होगी भैया? रजत जयंती हो गई है, लेकिन आप बोलिए बीतराग माने क्या? तो बीतराग माने मिथ्यात्व, राग और द्वेष, तीनों से रहत है ना, तो राग और द्वेष मिलाकर होती हैं 25 कसाएं। तो ये हास्य जो है एक कसाय है, तो बीतरागता कहाँ रही? भय एक कसाय है, तो बीतरागता कहाँ रही? तो हमने बीतरागी छवि का हमने अभी देखी कहाँ है? जब आपको भगवान की मूर्ति में ये कुछ ना दिखे, समझे ना, तब वो है। अपन यही तो बोलते हैं ना कि दो चीजें के छड़ाला में आती है पंक्ति, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, देखा ना, कि जिन भगवान के बगल में उनकी पत्नी बैठी है और कोई हथियार है, चाहे वो गदा हो, गदादि लिखा ना, गदा हो, त्रिशूल हो, तो ये चिन्ह से चीने जाते हो, तो वो जो बनिता है वो 13 कसायों की सूचक है, राग की सूचक है ना, और राग है 13 कसाय, और वो हथियार है बाकी की 12 कसायों का सूचक है। ये राग द्वेष के सूचक हैं, और हमारी छवि बीतरागी होती है, इसलिए हमारे कोई भी हथियार या हास्यादिक उनके चेहरे पर उनके नहीं होना चाहिए। पर हथियार जानते हैं किसे बोलते हैं? क्या हम हथियार भी नहीं जानेंगे? तो बताओ, जानते हो तो तलवार, बंदूक, बस के, बस क्या राइफल के, बस के क्या अणु बम, एटम बम, और आगे बढ़ो, थोड़े पीछे हटो ना। क्या कहा था तुमने? तलवार से शुरू किया था ना, तो लाठी हथियार है क्या नहीं है? क्यों, लाठी हथियार है क्या नहीं? चलो, लाठी भी नहीं है तो हम ऐसा मुक्का, ये हथियार है क्या नहीं है, बोलो। ए समझ लो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये उंगली दिखाना ये हथियार है क्या नहीं, जिससे हम धमका रहे हैं, ये हथियार है ना? और जानना हथियार और क्या है? खुश रहो बेटा, ये भी हथियार है क्या नहीं काबू में करने का? ये हमारे भगवान की इनमें से कोई मुद्रा नहीं है, ना वे ऐसी मुट्ठी बांध के बैठे हैं, ना वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ना भी किसी को उंगली दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी हथियार हैं, क्योंकि हम धमकाने का काम इनसे लेते हैं। और मुस्कराना, आपने हमारी तरफ देखा और हम मुस्करा दिए, बस, तो आप जानते हो ठीक है, हमारा नमस्कार स्वीकृत हो गया, क्यों मान लेते क्या नहीं? और हम ऐसे ही बैठे रहे, जैसे आप ठूठ से कहते हैं, हम कहते हैं बीतरागी, आप कहते हैं ठूठ से कि कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हमने नमस्ते किए तो इनने देखा भी कि नहीं देखा, क्यों हमने पैर छुए तो इनने देखा कि नहीं देखा, हमें ऐसा लगता ना कि हमें पता ही नहीं चला कुछ,
तो आपको पता नहीं चले ये वीतरागी छवि है, और पता चले वो रागी छवि है। आपने कोई ना कोई कसाय देखी, क्यों बस मुस्कुरा दिए सबको देख करके। ये वीतरागता नहीं है, ये भी हथियार है, समझ आए ना। जिस कोई भी चिन्ह नहीं हो, जिससे आपको ये पता भी नहीं चले कि सामने वाले ने हमें देखा कि नहीं देखा, कि आंखें तो खुली थी लेकिन अपन बोलते हैं ना नो रिएक्शन, वो आदमी जिंदा है कि मर गया, आंखें खुली हों तो अपन उसके आंखों के सामने ऐसा ऐसा हाथ करते हैं ना, क्या काय को करते हैं, ये देखते हैं कैसे कुछ दिखता है कि नहीं। ये जो जड़ का चिन्ह है उसे आप वीतरागता का चिन्ह बता रहे हैं, क्यों? ये तो जड़ता का चिन्ह है, क्यों? कि वो उसे नहीं जाने, वो तो जड़ हो गया ना, तो कौन कह रहा नहीं जान रहा, वो तो लोकालोक को जान रहा, कि कोई एक्शन तो है ही नहीं। तो बोले कि एक्शन तो रागद्वेष की निशानी है, और रागद्वेष नहीं है, वीतरागता है, तो वहां एक्शन क्या होगा, बोलो। ये सब परिग्रह हैं भाई साहब, आपने कभी सोचा कि ये सब चीजें भी परिग्रह में आती होंगी हैं? तो अंतरंग परिग्रह हैं 14, मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ रह सति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये अंतरंग हैं 14 परिग्रह, और बाहर के हैं 10, और उसमें स्त्री पुत्र, उसमें धन धान्य खेत वास्तु ये सुवर्ण चांदी ये ऐसी चीजें हैं, ये बाह्य परिग्रह हैं। ये ना अंतरंग परिग्रहों में और ना बाह्य परिग्रह में रुपये नाम का परिग्रह कहीं भी नहीं है, और ये परिग्रह का परिमाण लेते हैं ना दूसरी प्रतिमाधारी लोग, तो वे बस रुपये पैसे में ही लेते हैं। एक दूसरी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी जी से मैंने पूछा, एक काल्पनिक बातें नहीं है, नाम बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे प्रयोग करता रहता हूं, तो मैंने पूछा भाई साहब आपकी कौन सी प्रतिमा है कि दूसरी है, तो मैंने कहा आपने अनुवृत्त होंगे ना कि हाँ हैं, तो परिग्रह का परिमाण वृत्त तो आपने लिया ही होगा ना, अभी तो हम नाम सही नहीं जानते हैं, बोलते हैं कि बुद्ध अहिंसाणुवृत्त सुनना और सत्यानुवृत्त, ठीक है, अचौर्याणुवृत्त ब्रह्मचर्याणुवृत्त और परिग्रह परमाणानुवृत्त, ठीक है, नाम सही बोले मैंने सब हैं, कहीं गलती की है, मैंने 5 महीने नाम बोले तो कहीं गलती की है ना। अरे हाँ की है, क्यों घबरा रहे हो, परिग्रह परिमाण वृत्त है, परिमाण में अणु आ गया ना, समझ गया ना, अपन को 4 में अणु अणु लगाए ना, तो 5 में भी अणु लगा दिया, अणु नहीं है, परिग्रह परिमाण वृत्त। तो मैंने कहा आपने परिग्रह परिमाण वृत्त तो लिया होगा ना, बोलो क्या लिया इसमें, कि जो महाराज ने दिया था वो लिया, अरे वो तो लिया लेकिन अभी तुम्हें याद तो होगा ना कि क्या दिया था महाराज ने और तुमने क्या लिया था, कि हाँ 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 मैंने 10,000 लिए, क्या लिए 10,000, 10,000 हाथी के 10,000 घोड़े, क्या लिए 10,000, नहीं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये रखे और बाकी का त्याग, ऐसा मैंने परिग्रह परिमाण वृत्त लिया, ठीक है। तो भैया और क्या,
कि परिग्रह तो 24 होते हैं, मैंने कहा। तो जब परिग्रह परिमाण व्रत लोगे तो 24 का परिमाण करोगे ना, तो 24 बताओ। अकेले एक ही बता के रह गए, तो 24 में तो इसका नाम ही नहीं है रुपया का, अभी तो 24 ही बाकी है। क्यों, समझ में आया आपकी कि नहीं आई? बोले हमें तो भाई यही दिया था, यही हमने ले लिया। अब 24 के लिया जाता है तो आप 24 ले लेंगे, आप बताओ तो हम 24 ले लें, हमें क्या है। अच्छा ले लोगे? हाँ ले लेंगे। तो मैंने कहा ये बताओ कि पहले 24 परिग्रहों का परिमाण किया जा सकता है क्या, लिया जा सकता है क्या? क्यों, क्या नहीं लिया जा सकता है? आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा वो तो है ही, आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ये व्यर्थ में मनीष परेशान करता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा पहला परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, ठीक है। अब उसका परिमाण करना है अपन को, तो लोग कितना रखें और कितना छोड़ें, यही है ना परिमाण का मतलब, यही है कि कुछ रख लेना और कुछ छोड़ देना, यही है ना। तो बोलो मिथ्यात्व को कितना रखें और कितना छोड़ें। मिथ्यात्व तो पूरे ही छोड़ने योग्य है, इसका तो परिमाण हो ही नहीं सकता, तो 24 का कैसे कर सकते हो? तुम तो कह रहे हम सब कुछ कर सकते हैं, सोचना है? कर सकते हो सब कुछ, कितना रखना और कितना छोड़ना। अच्छा जाने दो, जिसने अणुव्रत लिए हैं उसके मिथ्यात्व तो है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के अणुव्रत होते ही नहीं। क्यों, अणुव्रत तो होते हैं पांचवें गुणस्थान में और मिथ्यात्व तो पहला गुणस्थान है, तो चौथे में ही नहीं होता तो पांचवें में कैसे होगा? तो है ही नहीं तो कैसे परिमाण करोगे? तो उसका तो परिमाण होता ही नहीं है, तो आपके मिथ्यात्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि जिनवाणी कहती है कि अणुवृत्तियों के मिथ्यात्व तो नहीं होता। यदि नहीं होता होगा तो नहीं होगा, कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि है क्या नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। अरे भाई मिथ्यात्व को छोड़े बिना ना अणुव्रत होते हैं ना महाव्रत होते हैं, अभी इतना ही पता नहीं है। तो अभी हमने कहाँ माना मिथ्यात्व को परिग्रह? अच्छा बोलो कसाई कितनी रखनी हो कितनी छोड़नी। जैसे मिथ्यात्व को पूरा छोड़ा ना, तो कसाय को भी पूरा छोड़ना या थोड़ी बहुत रखनी, क्या करना बोलो? कसाय का भी परिग्रह है तो परिमाण तो करोगे कि नहीं करोगे? अंतरंग परिग्रह तो वो ही है। अरे भाई अनंतानवंदी कसाय का त्याग होता है और अप्रत्याख्याना वर्ण प्रत्याख्याना वर्ण और संतुलन कसाय रहते हैं, समझ गया? अनंतानवंदी माने अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा, ये भी होते हैं अनंतानवंदी। हाँ होते हैं अनंतानवंदी के साथ, ये जो हास्यादिक होते हैं ये भी अनंतानवंदी संबंधी हैं। तो ये होते नहीं हैं और अप्रत्याख्याना वर्ण संबंधी होते हैं, माने ऐसा विकल्प पूर्वक नहीं त्यागे जाते हैं। वो तो आत्मा के आश्रय से, जैसे मिथ्यात्व तो गया था वो अनंतानुबंधी गए थे, ऐसे ही अप्रत्याख्याना वर्ण संबंधी क्रोध मान माया लोभ और हास्यादिक भी चले जाते हैं। ये तेरा कसायों के मामले में है, तो अभी किसी को पता ही नहीं अणुवृत्तियों को, कि भाई ये अंतरंग परिग्रह के बारे में क्या पोजीशन होती है और क्या पोजीशन होना चाहिए, और बहिरंग परिग्रह में भी कितने मकान रखे भैया तुमने, कितने बर्तन रखे, कितनी गायें रखी, कितने भैंसें रखी, कितने खेत रखे, क्या क्या बातें कर रहे। ये बातें उनसे करो तो उन्हें अपन पागल से दिखते हैं,
हम ब्रह्मचारी, हमारे खेत हैं, हम खेत रखेंगे, हम मकान रखेंगे, हम बर्तन रखेंगे। नहीं, बर्तन नहीं रखोगे तो आटा काहे में गूंदोगे, खाओगे खाए में। हम आटा गूंदेंगे, क्यों? आटा नहीं गूंदोगे तो खाओगे कैसे? वो उनकी समझ में ही नहीं आता है कि हमारी दूसरी प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा वालों को ना केवल बनाकर बल्कि कमा के खाना चाहिए। कब तक, कहाँ तक? आरंभ प्याग प्रतिमा तक, आठवीं तक। सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य हो जाए तब तक स्वयं कमाकर बनाकर खाना, ये शास्त्र में है। लेकिन वो तो कोई भी प्रतिमा मृतमा नहीं ली, कोरा ब्रह्मचर्य ले लिया, चदरा ओढ़ा, और वो अपने को साधु समझता है। और जब उपदेश भी देता है तो उसकी भाषा ऐसा निकलती है, तुम ग्रस्तों को ऐसा करना चाहिए, तुम ग्रस्तों को श्रावकों की ये ड्यूटी है। मैंने कहा, महाराज आप कौन हैं, श्रावक हैं कि मुनि? धर्म तो दो ही होते हैं कि नहीं? कौन कौन सा? एक ग्रस्त धर्म और एक मुनि धर्म। तो मुनि तो आप हैं नहीं, तो कौन हुए फिर? ग्रस्त भी नहीं है और मुनि भी नहीं है तो फिर क्या हुए, क्या हैं? तो ग्रस्त है ना, समझ में आई ना? अरे भाई, महावृत्तियों का भार अणुवृत्तियों को उठाना था। अणुवृत्ति और महावृत्ति कितना शुद्ध भोजन करते हैं, जितना महावृत्ति उतना ही अणुवृत्ति, और जितना अणुवृत्ति उतना ही महावृत्ति। तो अणुवृत्ति आहार देते हैं और महावृत्ति लेते हैं, तो इसलिए भी अनुदिष्ट आहार के बिना उनके उद्देश्य से नहीं बनाए तो उतना शुद्ध आहार बनता है। ये भक्षा भक्ष खाने वाले, आलू जमी गंद खाने वाले, दिनना रात में खाने वाले, इनके घर में ऐसा भोजन कहाँ बनेगा कि महाराज को लिए नहीं बनाए और उनको दे दें? अनुवृत्ति होने से आहार देने वाले, महावृत्ति होने से लेने वाले, अब वे दोनों ही लेने वाले बन गए। क्या अब देने वाले कौन रहे? क्यों अब देने वाले रह गए? अब वृत्ति और सम्य दृष्टियों के ग्रुप वाले, सम्य दृष्टि भी उधर ही खिसक गए, वे अपने को महान मानने लग गए, हैं? वे भी अपने को नीचे को देखते ही नहीं हैं, वे भी भगवान जैसा पूजना चाहते हैं। यदि वैसे नहीं पूजा तो कह देंगे हम तीर्थंकर होने वाले हैं, किसी ना किसी तरकीब से पूजना चाहते हैं ना, तो अब कौन देंगे? मिथ्या दृष्टि, तो विरोध कौन करेगा? ये बताओ कि जब वेद देंगे तो विरोध कौन करेगा? अरे मुनिराज थे वनवासी और अणुवृत्ति महावृत्ति थे वनवासी, अणुवृत्ति थे गृहवासी, दोनों ही मिलकर धर्मशालावासी हो गए हैं, धर्मशालावासी हो गए हैं। ना वनवासी वनवासी रहे और ना गृहवासी गृहवासी रहे। एक ब्रह्मचारी जी, उनका अभी स्वर्गवास हो गया है, मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में थे, सोनगढ़ी थे, समझ लेना। मतलब मैं कोई दूसरे ब्रह्मचारी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ अकेला, पर वे स्वर्गवासी हो गए इसलिए नाम बताने से फायदा नहीं है। जब तक वे जिंदा थे तब तक मैं नाम बता देता था उनकी उपस्थिति में भी। वो मेरे पास आए, बोले पंडित जी मेरे से आपसे बहुत ज़रा प्राइवेट में बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करते हो? ब्रह्मचारियों को क्या प्राइवेट बात करनी, ब्रह्मचारियों के भी कुछ प्राइवेट होता है, बोलो ना। आपकी जो शंका है सब उसका जवाब सुन लेंगे कि नहीं नहीं कुछ पर्सनल बात है। तो वही मिल लेंगे हम कमरे के अंदर। और उनने जो मेरे सामने सवाल रखा, मेरी किताब में भी लिखा है, धर्म के दर्शन किताब में लिखा है,
ये उसकी उतनी पुरानी बात है कि पन्नी जी मैंने 5,000 रुपये का परिग्रह परिमाण व्रत लिया था। क्यों? क्योंकि खर्चा तो कुछ था ही नहीं और मेरे पास कुछ था ही नहीं, जीरो भी नहीं था, खर्चा कुछ था नहीं। समाज भोजन कराती थी, धर्मशाला में रहता था, तो मैंने कि मेरे को पैसे की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन महाराज ने कहा कि नहीं नहीं भाई लेना पड़ेंगे फिर, तो कुछ भी रखो। तो मैंने 5,000 रख लेते थे, कोई कमाई का साधन नहीं था, धंधा पानी करना भी नहीं था, तो पैसा बढ़ने की संभावना ही नहीं थी। अब मैं जहाँ जाने लग गया, थोड़ा प्रवचन करने लग गया, तो समाज वाले किराया के नाम पर देने लग गए, और कोई गिन गिन के तो देते नहीं, किराए के नाम पर पैसा भी दे देते, फिर टिकट भी ला के दे देते, यहाँ वाले यहाँ का टिकट कटा देते, वहाँ वाले वहाँ का टिकट कटा देते, ऐसे जुड़ते जुड़ते मेरे पास 5,000 हो गए। सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको, मेरी किताब में भी लिखी है और गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूँ कि 5,000 हो गए। तो 5,000 तो मेरा परिमाण ही था। फिर धीरे धीरे मैंने एक सेठ जी के यहाँ जमा करा दिए, सेठ जी 100 रुपया सैकड़े का ब्याज देने लग गए। अब वो धीरे धीरे 7,000 हो गए। खर्चा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि श्रावक लोग सब व्यवस्था कर देते हैं। भी 10,000 हो गए। अब मुझे घबराहट हुई क्योंकि व्रत भंग हो रहा है। तो मैंने अपने एक साथी ब्रह्मचारी से कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, बताओ मैं क्या करूँ। कि तू मुँह रखे, समझता तो कुछ है नहीं, कि आप समझा दो ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जब तूने 5,000 का व्रत लिया था तब भाव क्या था, आज क्या भाव है। अरे रुपए की कीमत 8 आना रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, रख 10,000 है। तो मेरे मन के अनुकूल बात थी, इसलिए मैंने चुपचाप मान ली उसकी बात। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15,000 हो गए। अभी भी मैं उसी तर्क के आधार पर, क्योंकि भाव तो बढ़ ही रहे हैं बाजार के, हैं? उसी तर्क के आधार पर उन्हें भी रख सकता हूँ। लेकिन अब मेरा मन राजी नहीं है, मुझे बहुत आकुलता है, नींद नहीं आती है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ। जितनी श्रद्धा भक्ति और कातरता से उनने मेरे से प्रश्न किया था, उनकी मजाक उड़ाने की हिम्मत मेरी नहीं थी। मैं बहुत गंभीर हो गया, मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सका उस वक्त, लेकिन मैंने बहुत गंभीरता से विचार शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो भोले भाले जीव हैं, इनने तो कुछ किया नहीं, इनकी तो कोई खैर बड़ी गलती है नहीं, ये तो ना समझ है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये इतनी पुरानी बात है, जब मैंने धर्म के 10 लक्षण किताब लिखी नहीं थी, इसलिए मैंने उसमें ये बात लिख दी। और मैंने कब लिखी थी ये मालूम आपको? धर्म के दिन 1978-79-80 में, कितने साल हो गए, तब लिखी थी मैंने ये किताब। अब अपने आत्मधर्म में छपती थी रोज डेली। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि शास्त्रों में 25-24 परिग्रहों में रुपए का पैसे का नाम क्यों नहीं है। इस शंका का समाधान मेरा हो गया, क्योंकि यदि रुपयों पैसे का रखें तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी। और रुपया पैसा तो एक कृत्रिम चीज है, ये परिग्रह थोड़ी, ये क्या काम का परिग्रह है। असली तो हर एक आदमी को मकान की जरूरत है रहने के लिए, आजीविका के लिए दुकानदारी की या खेत की, खेती करे तो खेती करे, घबराना नहीं है। तो खेत की जरूरत, उसमें लिखा वास्तु क्षेत्र, लिखा है पढ़ना तत्वासूत्र में, सब शास्त्रों में, खेत कितने खेत रखे तुमने, माने अनुवृत्ति खेत रख सकता है। अब अनुवृत्ति कोई कुछ कोई काम ही नहीं करना चाहता है, समझे ना, वो कहते खेत रखे, कितने खेत रखे, कितने मकान रखा, कितना सोना रखा,
कितना चांदी रखा ये परिग्रह में है, आते हैं साहब। कितना अनाज रखा, अनाज भी लिखा है। कितने बर्तन रखे, ये सब चीजें रखे, क्योंकि ये हमारी दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं। अब ये रखेगा और रुपयों में रखेगा तो आज जो मकान 5,000 का है 3 साल में 50,000 का हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा वो? फिर वो दसवें हिस्से में तो रह नहीं सकता। उस बेचारे ने एक कमरा रखा क्यों, और अब वो तो 1 करोड़ का हो गया मुंबई में। तो वो कहते हैं रुपये नहीं रखते वे, अपनी उन वस्तुओं को रखते हैं। हमने तो मकान रखा है अपना 2 कमरे वाला, अब वो चाहे 2 करोड़ का हो जाए और चाहे 2,000 का रहे, समझ गए ना। तो उन्होंने उन वस्तुओं का परिमाण होता है। आचार्य जैन धर्म कितना वैज्ञानिक है आप सोचिए। ये परिग्रह परिमाण विद समझाने के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, ये किसी की आलोचना के लिए ये बात नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं रखा रुपये पैसे को, समझ में आए ना, क्योंकि उनको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। ये रुपये पैसे तो कृत्रिम हैं, आप जानते हैं। आप जाएं 1,000 वर्ष पहले 2,000 वर्ष पहले तो रुपया था ही नहीं, सिक्का ही नहीं था। हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में हमने देखा है, गाँव में किसान अनाज लाते थे और उसके बदले में नमक हल्दी ले जाते थे। मैंने वस्तुओं से वस्तुओं का बदलाव होता था। ये तो हमने अपनी व्यवस्था के लिए फिर ये पैसा रुपया बना लिया। ये परिग्रह परिमाण थोड़ी 2,000 वर्ष पुराने हैं, ये तो लाखों वर्ष पुराना है ना। और ये जो मुद्रा बनी है ये तो अभी की है, वो बहुत कम प्रचलित थी। गाँव में तो वस्तु के बदले में वस्तु ही ली दी जाती थी, है ना। और आज भी हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं ना, एक मकान बेचो तो उसके बदले में दूसरी जगह मकान खरीद लो तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और नहीं खरीदेगा तो इनकम टैक्स लगेगा। क्यों? इसका मतलब वो भी मानते हैं कि वस्तु के बदले में वस्तु ले सकते हो तुम। 2 कमरे का मकान बेचो और 3 का भी ले लो, उतने पैसों में आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है कि नहीं है। तो जैन धर्म की इस वैज्ञानिकता पर आप विचार करो। हमने उसको छोड़ दिया, इसलिए हमने उस वक्त सोचा ही नहीं, ना लेने वालों ने ना देने वालों ने, और बस हमने बस रुपये, हर बात 3 रुपये में, हर रुपया 20 रुपये में। कल दान का भी बताया था, दान भी रुपये में लेना देना है, जबकि आचार्यों ने तो आहार दान, औषध दान लिखा। अब परिग्रह में भी वही चक्कर है, 24 परिग्रह में तो नाम ही नहीं है, और ये 25वां परिग्रह ही सब कुछ बन बैठा है, है ना। हम ये गंभीरता से विचार करें कि परिग्रह क्या है। तो परिग्रह परिमाण वृत्त कैसे होता है, आज कोई भी इन सब चीज़ों का परिमाण कराता है। 8-10 चीज़ों का तो कराना चाहिए ना भाई, परिग्रह का और अंतरंग का होता है। उन्हें बताया भी गया है क्या कि तुम्हें मिथ्या तो नहीं होना चाहिए, क्यों? उसके बिना वृत्त नहीं होते हैं। और मिथ्या तो कैसे जाता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, क्यों? इसकी चर्चा ही नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम ये अपरिग्रह नाम का, आकिंचन्य नाम का धर्म को का स्वरूप कहाँ समझते हैं। गंभीरता से हम विचार करें तो इसका स्वरूप भी हमारे ख्याल में नहीं है। जैसे हम ग्रस्त लोग हैं ना, तो गवर्नमेंट ने कितने कानून बना दिए। अब हमारे वकील हमको ये सिखाते हैं कि इनकम टैक्स कैसे बचाना, क्यों? तो वो कहते हैं भैया तुम 4 फाइलें बना लो, एक अपने नाम की, एक पत्नी के नाम की, एक बच्चे के नाम की, एक बच्ची की नाम की, कि बच्चे बच्ची तो है ही नहीं तो हो जाएंगे क्या बताते हैं नहीं तरकीबें, यानी
हम पति पत्नी एक आराम से प्रेम से रहते थे और ये जबरदस्ती हमारी डबल फाइलें करा कर हमें न्यारा कर दिया, हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। क्यों बांट दिया हमें कई हिस्सों में कि कितनी संपत्ति हमारी है कितनी संपत्ति हमारी नहीं है। अब आपने ये सुना होगा कि चक्रवर्ती तीर्थंकर ये बड़े जो महापुरुष होते हैं इनके अणुवृत नहीं होते। नहीं सुना? कैसा, हमने तो पूजा पढ़ी थी और उस पूजा में लिखा था भाई जब अष्टम वार्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुख कार, पढ़ा था ना। और आप कह रहे अणुव्रत तो नहीं होते तीर्थंकरों के? हाँ हम कह रहे हैं नहीं होते। अरे बहुत स्थूल कथन है वो, तो उनका अणुव्रतों जैसा आचरण होता है इसलिए उनने व्यवहार से लिख दिया है। करुणानियोग देखो, शास्त्रों को गहराई में जाओ तो उसमें क्लियर मिलेगा कि उनके अणुव्रत नहीं होते, महाव्रत होते हैं और हो भी नहीं सकते। तर्क और युक्ति से सिद्ध कर सकता हूँ मैं। बोलो कैसे? शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, अब उन्हें अणुव्रत लेना है। अब 96,000 पत्नियाँ थीं, कितनी रखें और कितनी त्यागें? बोलो कितनी त्यागें, कितनी रखें और कितनी त्यागें? अरे भाई चेतन परिग्रह में पत्नी में ऐसा नहीं होता कि मैंने 96,000 में से 32,000 त्यागी और 64,000 रख ली, ऐसा नहीं होता। या तो छोड़ो तो सबको छोड़ो और या रखो तो सबको रखो। बंटवारा कैसे करोगे, किनको रखना और किनको नहीं रखना? अब वे कहे कि मैं 96,000 से ज़्यादा नहीं करूँगा शादी, कहाँ से आएंगे लोग के परिग्रह परमार रहते हैं? क्यों? छह खंड की विभूति है तो वो लोग क्या करें, तीन खंड छोड़ दें, एक खंड रख दें वो छोड़ दें? नहीं हो सकता। या तो छह ही खंड छोड़ो और या छह ही रखो, समझ गए आप? कैसे होगा? मनमोहन सिंह कहें कि मेरे से पूरे हिंदुस्तान का काम नहीं संभलता तो मैं तो उत्तर भारत का प्रधानमंत्री रहूँगा, दक्षिण भारत का दूसरा बना दो, चलेगा? कि देना हो तो चुपचाप इस्तीफा दे दो और नहीं तो रहोगे तो पूरे भारत के, क्योंकि भारत के संविधान में एक ही प्रधानमंत्री होता है, दो नहीं होते, समझ गए आप? तो ये तो साधारण लोगों की बातें हैं, प्रमाण करें, छोटे रखें, ज़्यादा रखें, कम रखें, ये महापुरुषों के साथ नहीं हो सकता। और फिर इतना उग्र पुरुषार्थी होते हैं, ये किस्तों में कौन देता है पैसा? क्यों? अब आपके पास इतना अपार पैसा है, एक नंबर में भी और दो नंबर में भी, अब आप किसी के पास फ्लैट बुक कराने जाओ, क्यों? तो वो कहता बैंक से कर्जा मिल जाएगा तो किस्तों में दे देना। अरे भैया पैसा ठिकाने लगाने के लिए तो मैं मकान खरीद रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, रहने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं काहे को कर्जा दूंगा? मैं तो कर्जा देने वालों में से हूँ। मुझे तू ये बता कि पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है? क्यों? मुझे पैसा लेना नहीं है, तो एक किस्तों में लेना है, अणुव्रत धारण करना धर्म। तो जिनकी शक्ति सीमित है वो लेंगे, जो महान शक्ति के धारी हैं वे काय को छोटी मोटी लेंगे? वो तब छोड़ेंगे तो पूरे ही छोड़ देंगे एक झटके में, और रखेंगे तो पूरे ही रखेंगे, वे अधूरा काम नहीं करते हैं। अरे वे तो इतने उग्र पुरुषार्थी होंगे क्या, तो मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि जाएंगे, बहुत ऊपर ऊपर जाएंगे, और नरक भी जाएंगे तो साथ में से निकम में नहीं जाएंगे। चक्रवर्ती जाते हैं ना, सोम चक्रवर्ती गया, वे तो उग्र पुरुषार्थी होते हैं, उनको आधा काम पसंद नहीं है, उन्हें परिमाण मनिमाण का चक्कर नहीं है। ये परिमाण तो उन लोगों की है जो शक्ति क्षीण है। और वास्तव में जैसा बता रहा था ना मनीष कि अपने चार अनुयोग होते हैं, तो ये हर एक अनुयोग के अनुसार से ये चरणानुयोग का कथन है
कि मैंने इतना रखा इतना छोड़ा। दिव्यान योग तो ये कहता है कि ये वो ये मेरा है ही नहीं, ना ये मैं हूँ, ना ये मेरा है, ना मैं इसका करता हूँ और ना मैं इसका, तो उसमें कहाँ से अनुवृत महावृत आए। करुणान योग क्या कहेगा बोलो, कि भैया अनंतानुबंधी कसाय गई और अप्रत्याख्यानावरण गई, इतनी शुद्धि हुई और प्रत्याख्यानावरण है तो उसे अनुवृत कहते हैं। बात तो 100% सच्ची है। करुणान योग की बात धर्म कांटे जैसी होती है, धर्म कांटे पर तोलो तो पाव रत्ती फर्क नहीं पड़ता है। हीरा तोला जाता है ना, आपने उसका कांटा देखा है कभी? वो कांच की पेटी में बंद होता है और कांच की पेटी के अंदर उसको रख करके और बंद करके फिर तोला जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर रखें तो हवा के झोंके से ही कई कैरेट का फर्क पड़ जाता है। क्यों? और अब बाजार से कोयला खरीदते हैं तो देखते हैं कि हवा का झोंका ना लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो जाए तो। तो करुणान योग माने हीरे का कांटा है, समझ गए आप? पाव रत्ती सच्ची बात है, लेकिन क्या काम की हमारे? अब अप्रत्याखाना बन कसाय गई कि नहीं, ये हम कैसे दिखें यहाँ? दस साहब कैसे निर्णय करें कि कौन सी कसाय गई, कौन सी है, प्रत्याख्याना वर्ण है कि संतुलन है? अभी हम ये देख नहीं सकते हैं। तो एक कोरी शास्त्री शास्त्री की बातें रह गई। ये गणित पढ़ते हैं ना बच्चे, तो करोड़ों से करोड़ों का गुणा करते हैं, करोड़ों से करोड़ों घटाते हैं। इन्हें जिंदगी में करोड़ों देखने ही नहीं है नहीं थे। तो वो कहा करते थे कि हमने ये करोड़ों रुपया देखे नहीं है, चेक पे साइन करोड़ों पर किए रोजाना, लेकिन देखे आज तक नहीं है कि ये करोड़ों क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वो तो बस साइन कर देते हैं, पेमेंट हो जाता है। तो वस्तु करुणान योग तो ऐसा है, 100% सत्य है, लेकिन उसके हिसाब से हम कोई वृत्त ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। वो करुणान योग के हिसाब से लेते हैं, दिव्यान योग के हिसाब से भी नहीं। वो कहेंगे कितनी शुद्धि की वृद्धि हुई कि आत्मा 15 दिन में आत्मा का अनुभव करने लग जाए तो समझ लेना अनुवृत्त हो गए, कहेगा ना। करुणान योग कहेगा अप्रत्याख्याना वर्ण के साथ चली जाए तो समझ लेना अनुवृत्त हो गए। क्यों? अब प्रथमान योग कहेगा कि देखो भरत चक्रवर्ती फलाने जी फलाने ऐसे थे, फलाने ऐसे थे। क्यों? वो उनके उदाहरण दे दे करके बताएगा। और द्रव्यान योग ये चरणान योग कहेगा कि दे ये परिग्रह का इतना रखा इतना छोड़ा, एक वास्तु इतनी रखी, एक मकान रखा। कोई परिग्रह परिमाण वृत्त में मकान रखेगा तो उसके पास जो मकान है जिसमें रहता है उसी को रखेगा ना। क्यों? कि नहीं मैंने बंबई वाला 1-10 कमरे रखे, ऐसा रखेगा क्या? तो हमें उनको विवेक ही नहीं है कि हम क्या परिग्रह कहते हैं, किसको अपरिग्रह कहते हैं। और आज हमारी एक नई फैशन चल गई है, वो क्या, जैनियों की ये आदत है कि जनसंघ का राज आया ना देश में, तो कहने लगा कि हम तो बिल्कुल जनसंघ नहीं है, बस जनसंघ में 2 मात्रा लगा दो तो जैन संघ का फर्क है, हम तुम तो एक ही है, जनसंघ और जैन संघ एक ही है। फिर समाजवादियों का राज आया तो हम तो समाजवादी हैं, हमारा परिग्रहवाद समाजवादी तो है कि मिल बांट के खाओ ज्यादा मत रखो। जो राज्य आए हमें तो अपने को उसके साथ जोड़ना है, हम तो व्यापारी कौम है भैया, गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए। क्यों? हमारा धंधा पानी यदि गवर्नमेंट के गोद में चलेंगे तो सब चौपट कर देंगे, अपन तो खिला पिला कर अपना काम निकाल लेते हैं। क्यों है? आप जानते हैं ना क्यों भाई साहब? यार आला वाह वाह है ना, वाह का बा बनाना है, कौन सा पाफा बा, समझ गए आप? तो क्या करना चाहिए? एक छत्री से पूछें
तो कहेगा उसका पेट चीर देना चाहिए। एक बनिया से पूछें तो कहेगा उसका पेट भर देना चाहिए। करना एक ही काम है क्यों? लेकिन क्षत्रिय को फाड़ना चीरना बस यही दिखता है, 24 घंटा चीर फाड़ पे उसकी ध्यान रहती है, तो उसका पेट चीर देना चाहिए। और बनिया का अरे ले दे के काम चला दो ना, कितना सा पेट है उसका, क्लर्क है, 100, 200, 500, 1000 बस कर दो निपटा, चलो चलो छोड़ो 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 खत्म कर। इसकी वृत्ति तो ऐसी है ना, वो हिंसक वृत्ति नहीं है, एक दृष्टि से अच्छी है लेकिन पूरी अच्छी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये जो हमारे जीवन में अंतर आया है तो वो अनयोग, तो हमने समाजवादी, तो हमारा जैन दर्शन का परिग्रहवाद बिल्कुल समाजवाद है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि या तो वे समाजवाद की सही परिभाषा नहीं समझते और या अपरिग्रहवाद की सही परिभाषा नहीं समझते। क्यों? अपरिग्रहवादियों का अंतिम उद्देश्य नग्न दिगंबर दशा है क्या नहीं है? समाजवादियों को स्वीकार है कि सारा देश समाजवादी हो जाए, सब नग्न दिगंबर हो जाए। समाजवादी कहते हैं कि जितनी भोग सामग्री है वो कुछ लोगों के पास सीमित ना हो जाए, सब मिल बांट करके खाएं भोगें। उसे भोग का विरुद्ध नहीं है वो, बस जितनी है उतनी मिल बांट करके भोगो। उसका उद्देश्य उचित बंटवारा है, परिग्रह का, परिग्रह त्याग उसका उद्देश्य नहीं है, परिग्रह का परिमाण भी उसका उद्देश्य नहीं है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? वो ये कहता है कि जब तक सबको मोटर कारें प्राप्त ना हो जाएं देश में, तब तक तुम्हें मोटर कार में बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? और हमारे मुनिराज भी कहते हैं कि हमने सवारी का त्याग कर दिया। क्यों? सबके पास मोटर कारें हो जाएंगी तो महाराज भी रख लेंगे एक, और महाराज भी बैठना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, वो ये कहते हैं कि चाहे किसी कोई कुछ भी करे, हमको पराधीन नहीं रहना है, समझे ना? हमारा अनुवृत्ति कहता है हमें कम से काम चलाना है, समझ गए? दोनों में फर्क समझ में आया ना? अरे भाई, गेहूं की कमी की वजह से उपवास करना एक दिन महीने में वो अलग बात है, और हमारे धर्म की दृष्टि से उपवास करना वो अलग बात है। गेहूं की कमी की वजह से हमने उपवास नहीं किया, जब गेहूं बहुत हो जाएंगे तो हम तो दो दफ़े खाने लगेंगे। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जगजीवन राम गृह में वो थे खाद्य मंत्री, और वो आए थे हमारे जयपुर में। जयपुर में ऐसा भाग्य है कि जैन समाज के प्लेटफार्म पर कोई भी मिनिस्टर क्यों नहीं आए, तब प्रधानमंत्री आए, जब कोई आए, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब वे भी आए थे। तो जैन समाज में जब फंक्शन होता है और मैं जयपुर में होता हूँ तो मुझे अवश्य बुलाते हैं और वक्ता के रूप में अवश्य रखते हैं, चाहे वो दिगंबर बुलाएं, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे थानकवादी कोई हों। ऐसा वितराग भाव हमारे जयपुर में है, शांति है, सारे देश में कहीं नहीं है। और तो वो जगजीवन आए थे, मैं भी था उस सभा में। तो उपवास वालों का सम्मान हो रहा था जगजीवन राम के हाथ से, सही घटना बता रहा हूँ मैं। तो एक वक्ता बोला कि साहब, आप देश के खाद्य मंत्री हैं, खाद्य समस्या का हल करने के लिए हमारे यहाँ 100 लोगों ने 10-10 दिन के उपवास किए, इतना गेहूँ बचा, ठोका सबने उनको। वो बहुत शार्प था, साधारण आदमी नहीं था वो। जब उसका भाषण हुआ तो उसने मालूम क्या कहा कि भाई, हम तुम्हें भूखा मार के गेहूं नहीं बचाना चाहते हैं, लोग भूखे ना सोएं, हमें गेहूं इसके लिए चाहिए। काहे के लिए चाहिए? तुम भूखे सो 10 दिन तक, इसके लिए नहीं, कोई आदमी भूखा ना सोए गेहूं की कमी से। तो हमको बेवकूफ़ बनाते हो कि तुमने आधा किलो गेहूं बचाया,
अरे जो बोरियां छिपा रखी हैं ना सैकड़ों हजारों गोदामों में, वे निकालो, हमें वो चाहिए, तुम्हें आधा किलो अनाज नहीं चाहिए, ऐसा बोला भरी सभा में सबके सामने। क्या बात सच्ची भी है कि नहीं है? अरे भाई, समाजवाद तुम्हें भूखा रखने के लिए थोड़ी कहती है। धर्म का उद्देश्य और समाजवाद में फर्क है कि नहीं? समाजवादी भोग का त्यागी नहीं है, उसकी समस्या तो सिर्फ समान वितरण की है। और वो भी कहता है भाई इतना 10 गुना फर्क रख लो, एक आदमी की तनख्वाह 10,000 हो है और दूसरे की कम से कम 1,000 तो रखो, तो ऐसा बना लो कि 10,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे, 1,000 से कम नहीं मिलेंगे। यही तो कहता है ना वो, 10 गुना अंतर रखने को तो वो भी राजी है ना, लेकिन ऐसा नहीं कहता है कि धर्म कि सब करेंगे तो मैं करूँगा, कोई कुछ करे और कोई ना करे। देखो जैन दर्शन में नग्न दिगंबर मुनिराज के पास एक आड़े बल के बराबर भी वस्त्र हमारे को स्वीकार नहीं है, क्योंकि अकलंक देव ने वो मूर्ति पर एक कपड़े में से धागा डाल करके उल्लंघन कर गए थे, मैंने धागा डाला तो वो दिगंबर नहीं रहा। और गृहस्थ चक्रवर्ती भी होते हैं, बोलो क्या करें, आदिनाथ के तन पे धागा नहीं था और भरत उनका बेटा चक्रवर्ती था। अब दोनों जैनी थे के नहीं थे मैं आपसे बोलता हूँ, वो जाने दो कि वे कौन से लेवल के थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती सच्चे जैनी थे के नहीं थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। तो एक छखंड की विभूति भी हो सकती है और तन के ऊपर बाल भी भाग नहीं हो सकता। अब ये तो भूमिका अपने यहाँ अलग अलग है, इसमें समाजवाद कहाँ बैठेगा? समाजवाद को चक्रवर्ती भी स्वीकार नहीं है और नग्न दिगंबर दशा भी स्वीकार नहीं है। क्यों जबरदस्ती थोपते हो? क्यों इन नेताओं को खुश करने के लिए अपने धर्म के स्वरूप को बिगाड़ते हो? हैं, हमें गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि नहीं, कि परिग्रह क्या है और उसका त्याग कैसे होता है और किस किस भूमिका में कैसे कैसे त्याग होता है, ये बात हमें समझना चाहिए। ये तो हमारी बीमारी है कि हम नेताओं के सामने ऐसा बोलते हैं। अब नेताओं की एक बीमारी है, वो भी सुन लो। हमारी जैनियों की सभा में आएंगे, आप लोग बुलाएंगे खूब आदर के साथ, और वो ये कहेंगे कि जे अपरिग्रहवादी जैन मानते तो अपरिग्रह को हैं और सबसे ज़्यादा परिग्रह इनके पास है, पर हम तालियां बजाते हैं। हाँ, एक तुम्हें गाली दे रहा है कि प्रशंसा कर रहा है, हमारी समझ में इतना भी नहीं आता है क्या कह रहा है वो। मेरे सामने भी ऐसे मौके आते हैं। एक दफ़े गुजरात के मंत्री थे, बम्बई में आए थे और उन्होंने यही बात कही, और भाग्य से वो सभा का अध्यक्ष मैं था और वे मुख्य वक्ता थे, तो बार बार मेरे से किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि ये बड़े पंडित हैं जैन समाज के, तो मेरे से बार बार कहें इसका जवाब पंडित जी देंगे, इसका जवाब पंडित जी देंगे, ऐसा बोले जाओ इसका जवाब पंडित जी देंगे। मैंने जब शुरू किया अपनी बात तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं किसी का जवाब देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ अपना माल बताने के लिए है, आपका जवाब दूंगा तो मैं अपनी बात कब कहूँगा क्या। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो ये समझ रहे हो कि जैनियों के पास सबसे ज़्यादा परिग्रह है, इस बात में ज़्यादा दम नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैनी लोग का प्रदर्शन की आदत ज़्यादा है, परिग्रह तो बहुत औरों के पास भी बहुत है, लेकिन ये व्यापारी समाज है ना, तो इसका दिवाला भी निकल रहा होगा तो भी ये दान घोषित करेगा, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी कोई कमी नहीं है तो कम से कम ये मांगने वाले तो नहीं आए, समझ गए ना। इसको प्रदर्शन करना इसकी मजबूरी है, अन्यथा इसे उधार कौन देगा बाजार में।
समझे ना, ये प्रदर्शन है, इसलिए आपको जितना दिखता है उतना नहीं है। और यदि है भी तो इसमें जो सदाचारी जीवन है उसके कारण है। जब तक ये शुद्ध सात्विक खान पान है, अहिंसक जीवन है, अरे दूध घी में डूबा भी रहे तो कितना खर्चा होता है। एक आदमी को 10,000 रुपये महीने में खर्चा है और 12,000 रुपये महीने की इनकम हो गई तो 2,000 रुपये महीना जुड़ता है। और तुम्हें तो 12 लाख भी मिल जाए तो 2 दिन में ख़त्म होते हैं, शराब में, बेस्या पार्टी में, इन कामों में। तो इनके सदाचारी जीवन के कारण इनके पास ये दिखता है। जब तक इन सदाचारी जीवन है तब तक आप सब लूटो, डाकू लूटें, चोर लूटें, मिनिस्टर लूटें, इनकम टैक्स वाले लूटें, सेल टैक्स वाले लूटें, चंदा करने वाले लूटें, ये पंडित लोग आए चंदा मांगने वाले ये लूटें, इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। क्यों? चारों तरफ से लूटने वाले लगे रहें तो भी ये सड़क पे आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका जीवन सदाचारी है, सात्विक है। जब तक ये है इनके जीवन में तब तक कोई दुनिया की ताकत इनको भिखारी नहीं बना सकती। और जिस दिन ये सदाचार जैन समाज में से निकल जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत जैन समाज को भी नहीं बचा पाएगी, उसकी हालत भी आप लोग जैसी हो जाएगी। और फिर मैंने कहा कि तो बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे भाई साहब, अंतरंग परिग्रह भी होती है ना, कसाएं, उसके तो सभी चक्रवर्ती हैं, किसके पास कम है बोलो। असली परिग्रह तो वो क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्, हास्य रति, अरति हैं। इसमें अजैनी पीछे हैं, हिंदू पीछे हैं, मुसलमान पीछे हैं, कौन पीछे हैं? असली परिग्रह तो वो है, हम उसका स्वरूप वास्तव में समझते ही नहीं हैं। तो वास्तव में इस परिग्रह का स्वरूप हम गहराई से समझें और परिग्रह को पूरा नहीं त्याग सकें तो उसे मर्यादित अवश्य करें। हम यहाँ भी ऐसा नहीं करें जैसे कि हम गवर्नमेंट से बचने के लिए ये वकील लोग हमें रास्ता बताते हैं कि है हमारा नौकर के नाम जमीन खरीद दी, फलाने के नाम कर दी, बेनामी ले ली, हमने कितने रास्ते निकाले हैं। ऐसे ही हमने धर्म के क्षेत्र में भी शुरू कर दिया, जिन महाराज की पत्ती के बिना एक ईंट नहीं लगती, जिन महाराज की मर्जी के बिना गाड़ी एक कदम नहीं चलती। अरे कहते मेरा तो कुछ नहीं है, ये तो सब गृहस्थों का है, मैंने क्या किया। तो ये कोई इनकम टैक्स वालों को धोखा देना जैसे धोखा है? अरे भाई हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो हम परिग्रही हो गए, हमें किसी से कानूनी बचना है। अपने मन से पूछो कि हमारा इसके अंदर में अपनत्व का भाव है कि नहीं, ममत्व का भाव है कि नहीं, कर्तृत्व का भाव है कि नहीं, भोक्तृत्व का भाव है कि नहीं। ये तो अपनी मन की साक्षी से लेना है, ये किसी दूसरे की अदालत में हमको सिद्ध नहीं करना है कि मेरा है कि नहीं है। कौन जा रहा तुम्हारे विरुद्ध अदालत में कि जो ये सिद्ध कहे कि तुम्हारा है इनका नहीं है? कोई ने आज तक किया चैलेंज? कोई करना चाहेगा तो है किसी की हिम्मत? उसे जिंदा नहीं रहना है? अरे कोई समस्या ही नहीं है, कोई सामने चैलेंज ही नहीं है। हमारा मन का चैलेंज है। यदि हमें स्वयं धर्म करना है तो वस्तु का सही स्वरूप समझकर अपने जीवन में उसे अपना कर हम अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।